फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खैर से दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज एक मूवी जो कि रिलीज़ हुई है इंडिया में, जिसका नाम है टोटल धमाल। और ये मूवी जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई, और जिसका रीज़न ये कि कुछ दिन पहले जो एक पुलवामा का अटैक जो हुआ है, उस वजह से मतलब अजय देवगन ने ये मतलब अनाउंस किया था, एक ट्वीट किया था कि ये मूवी जो है पाकिस्तान में जो है रिलीज़ नहीं होगी। अच्छा, तो मैं ये कि कोशिश करूँगा, मैं कैपरी आया हुआ था तो कुछ और वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पब्लिक जो है कोई एक मूवी देखने आई हुई है, तो जैसे ही बाहर आते तो थोड़ा सा मैं उनसे टोटल धमाल के हवाले से रिव्यू लेता हूँ, उनके हवाले से मतलब रिएक्शन लेता हूँ कि वो उनको क्या लगता है, मतलब टोटल धमाल यहाँ रिलीज़ नहीं हुई तो होनी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई तो मतलब उनको कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो जैसे पब्लिक मिलती है, मुझे कुछ लोग मिलते हैं, तो मैं उनसे ज़रूर इस हवाले से बात करता हूँ। देखते रहिए समीर के व्लॉग्स। धमाल यहाँ रिलीज़ नहीं हुई और अजय देवगन ने कहा है कि पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले? वैसे तो अभी सोशल मीडिया में ये चीज़ बताई गई थी कि उन लोगों ने बोल दिया है, अजय देवगन ने खुद बोला है कि यहाँ पर रिलीज़ होनी चाहिए। तो अभी तो कॉन्ट्रोवर्सी तो चल रही है ओवरऑल, जितना भी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो जो अभी आजकल चल रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर ये कि हाँ, क्या नाम है, पुलवामा जो पुलवामा, हाँ पुलवामा, जी जी, तो वैसे होनी चाहिए रिलीज़, क्योंकि हम तो उसके सीक्वल का वेट कर रहे थे, तो ये है कि होनी चाहिए। मेरे हम तो बिल्कुल एक्साइटेड है, अब ये है कि जब रिलीज़ होगी तो वैसे ही नेट पे पता लग जाना है, नेट पे तो वैसे ही आ जानी है, मगर थ्रिलिंग मूवी सिनेमा में होनी चाहिए रिलीज़। थैंक यू जी। से पूछते हैं भाई, टोटल धमाल यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई इंडिया ने, यहाँ मतलब अजय देवगन ने खुद यहाँ रिलीज़ नहीं की, जो कि प्रोडक्शन में उसके हैं, क्या कहेंगे? खैर है, हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, मसला थोड़ी होता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मतलब? नहीं नहीं, फर्क थोड़ी पड़ता सिनेमा में देखने के हवाले से? नहीं, वैसे भी मूवी इतनी वर्थ नहीं है कि उसके हम देखें, तो हम लोग घर पर डाउनलोड करके देख लेंगे, जैसे हमने बाकी धमाल देखी है। पायरेसी एक वो है, मतलब कानूनी जुर्म है वैसे तो? नहीं नहीं, खैर है, हम ये जुर्म भी कर लेंगे, मूवी है इसके लिए तो चल सकता है। मतलब इतनी अच्छी है कि आप डाउनलोड कर लोगे फिर भी? हाँ, इतनी अच्छी है कि डाउनलोड कर ले, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होगी कि सिनेमा में देख लें। अच्छा, चले, थैंक यू। अच्छा फ्रेंड, सादिक भाई भी मेरे साथ हैं, इनसे पूछा, सादिक भाई जैसे कि टोटल धमाल यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई, तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी थोड़ा इस पर डिसअपॉइंटेड हूँ कि रिलीज़ नहीं हुई, मैं काफ़ी एक्साइटेड था उसको देखने के लिए, और स्टार स्टडेड था इसमें, अजय देवगन भी थे, अनिल कपूर भी थे, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर माधुरी दीक्षित तकरीबन 20 साल बाद साथ आए, फिर इसके अलावा बमन ईरानी थे और जॉनी लेवर थे, इसके अलावा राजपाल यादव, रितेश देशमुख, और फिर जावेद जाफरी, अरशद वारसी, मतलब आप देख लें कॉमेडी के स्पेशलिस्ट बैठे थे सारे, तो और इट वॉज एन एडवेंचरस कॉमेडी, बहुत कम ऐसा होता है एडवेंचरस कॉमेडी आती है, तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फिर इसके अलावा जो मसाला एंटरटेनर भी हो और साथ साथ कुछ मज़ा भी आए, जिसमें तो इस पर थोड़ा बहुत मैसेज भी होता है, अगर आप धमाल वन को भी देखें तो भले ओवरऑल फिल्म में कोई मैसेज नहीं था, बट एंड में एक था, इट वाज अ गुड लाइट हार्टेड कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी थी, तो ये इस तरह की फिल्में आजकल बहुत कम आ रही है, तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, बट थोड़ा अफसोस हुआ है नहीं आ सकी, बट लेट्स सी, हो सकता है कि अगर फ्यूचर में कुछ और अच्छी इस तरह की फिल्में आए तो हम देख सकेंगे, तो लेट्स सी।